हम वापस बहुत शुक्रगुजार हैं। आप लोग यहाँ से हटिए ना सर, हटिए। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, हटिए नहीं बोलूंगा मैं, हटिए आप लोग साइड लो। अरे माइक को नीचे कर लो। पहली बार मित्रों मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तीसरी बार उच्चतम न्यायालय ने अर्जेंसी का अवलोकन करके छुट्टी में हमारी लंबी छुट्टियों के दौरान इतने अल्प समय में बैठे। दूसरी बात कि हमारा पूरा उद्देश्य था एक ही उद्देश्य था कि बहुत पारदर्शी रूप से ये विश्वास मत हो, जब तक पारदर्शिता के सभी आयाम इसमें नहीं होंगे निहित तब तक संदेह होगा, तब तक संवैधानिक स्वच्छता नहीं आएगी। यही हमारा मूल उद्देश्य था इस अर्जी में। तो मैं समझता हूं कि हमारी जो 4-5 विभिन्न दरखास्तें थी वो सभी एक ही बात में समाविष्ट हो गई। वो एक बात थी जो हमारी दलीलें सुनकर स्वतः राज्यपाल के वकील श्री मेहता ने जब कह दिया कि हम लाइव फीड करेंगे या लाइव फीड देंगे पूरी प्रक्रिया के विश्वास मत की प्रक्रिया का, तो उससे हमारा पूरा पारदर्शिता का आयाम स्थापित हो गया। इसलिए और किसी प्रेयर को दरखास्त को प्रेस करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वीडियोग्राफी वाली जो बात थी वो लाइव फीड से पूर्ण हो जाती है। जहां तक और चीजों का सवाल है वो प्रश्न अब कम उठता है, नहीं उठता है, क्योंकि अगर लाइव फीड सब लोकल चैनल्स में होगी तो जो है दूध का दूध पानी का पानी आप लोगों के सामने होगा। तीसरा पहलू हम चाहेंगे कि अभी आज बिल्कुल किसी भी कानून व्यवस्था के विपरीत ऐसा कोई काम न हो, स्वच्छता गंभीरता और स्थिरता के साथ ये विश्वास मत हो, और गणतंत्र के जो गौरवशाली आयाम है जिसके अंतर्गत अंतिम विजय होती है गणतंत्र की, हमको अंतिम विजय गणतंत्र की करनी है। मुझे कोई राजनीतिक रूप से आखिरी मुद्दा राजनीतिक रूप से मुझे कोई संदेह नहीं है, और मैं अब कानूनी बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक रूप से मुझे कोई संदेह नहीं है कि एक तरफ तो कांग्रेस जेडीएस की विजय 100% पक्की है, लेकिन दूसरी बात मैं समझता हूँ कल से ही बीजेपी को अपनी हार का कन्विक्शन है, विश्वास है, और इसीलिए हर प्रकार से चीजें हो रही हैं। आज जैसा मैंने कहा अंतिम निर्णय हमारे स्टैंड को स्थापित करेगा। सर आपकी डिमांड्स फ्रेंड्स इफ यू स्पीक आई विल नॉट एनी वे कंटिन्यू सर फ्रेंड्स लेट मी मेक इट क्लियर द फर्स्ट एंड बेसिक ऑब्जेक्ट द फर्स्ट एंड बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन वॉज टू एस्टैब्लिश ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स फॉर ए ट्रस्ट वोट। The most important part is transparent norms so that there is no doubt, there is no question mark on the trust vote. During the course of arguments, since a statement has come on behalf of the governor through its advocate, the Additional Secretary General Mr. Mehta, that transparency will be ensured by releasing the live feed simultaneously to all local regional channels. And since this statement has been recorded by the Honorable Court, I think virtually all of our concerns are taken care of. Videography was a specific request that is taken care of. Ultimately, we hope and trust that the highest norms of democracy will be maintained at the 4 o'clock trust vote. We hope and trust that the ultimate victor will be democracy, will be parliamentary democracy, will be fairness. Therefore, we hope and trust that there is no law and order situation. Lastly, as far as political issue is concerned, let me make it clear that
Firstly, there is no doubt in my mind that the victory shall be that of the Congress JDS combined. Secondly, I think since yesterday at least, the BJP is convinced of its defeat, is sure of its defeat, and you shall see that result in the evening today. Thank you very much.